हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है चेन क्लीनिंग के ऊपर, अपनी बाइक की चेन कैसे क्लीन करनी है। तो एक्चुअली इसका भी मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई वीडियो बनाओ, और ख़ास करके इसलिए बोला था बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं चेन क्लीनिंग के ऊपर, बट स्पेशली इसलिए बोला था बिकॉज हॉर्नेट में क्या है, चेन का एक बहुत बड़ा इशू है, चेन से आवाज़ आती है। ऐसा तो मैंने उसके ऊपर बनाया था वीडियो कि आप दूसरा चेन स्प्रॉकेट यूज़ कर सकते हो, जो हॉर्नेट का जो न्यू वाला चेन स्प्रॉकेट आता है, यू कैन यूज़ दैट। बट स्टिल मैंने कहा फिर कोई काम है नहीं घर पे, तो चलो इसी के ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या यूज़ करना चाहिए चेन क्लीनिंग के लिए, कौन सा ल्यूब यूज़ करना चाहिए एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर प्रोसेस। सो आई विल बी यूजिंग लोकल चेन ल्यूब, आई गेस पता नहीं क्या नाम है उसका, कुछ याद मुझे खुद ही याद नहीं किस ब्रांड का है, लोकल सा है, 250 रुपये का है, आई गेस इट्स 400 ml। एक्चुअली इट डज द जॉब प्रिटी वेल फॉर मी। एंड फॉर चेन क्लीनिंग यू कैन यूज़ वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन यूज़ केरोसिन, यू कैन यूज़ डीजल, यू कैन यूज़ WD-40, यू कैन यूज़ चेन क्लीनर इट सेल्फ, जो भी यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। फॉर मी आई विल बी यूजिंग केरोसिन बिकॉज केरोसिन इज़ वेरी चीप। एक्चुअली 30 रुपीज़ में आई गेस अराउंड 500 ml के आसपास आ जाता है, विच इज़ प्रिटी गुड। उसी जगह अगर प्रॉपर चेन क्लीनर देखा जाए तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है उसी हिसाब से, और केरोसिन है तो भाई दिल खोल कर यूज़ करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाकी भाई तुम लोगों के ऊपर है, जो चीज़ यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। और कुछ अच्छी ब्रांड्स बता दूँ चेन क्लीनर और लूब दोनों के लिए बता रहा हूँ, यू कैन गो फॉर मोतुल, यू कैन गो फॉर वुर्थ, यू कैन गो फॉर, एक्चुअली दीज टू आर प्रोबेबली द बेस्ट वन। इससे अच्छा मेरे को एक्चुअली अभी तक कुछ भी नहीं लगा, बट देन स्टिल अभी जो मैं चेन ल्यूब यूज़ कर रहा हूँ मेरे लिए दैट थिंग इज़ एक्चुअली वेरी गुड। मेरे को सस्ता भी पड़ता है और काम भी मेरा अच्छा ही हो जाता है। अब ये बात तो है भाई, मोतुल और वुर्थ की तरह तो नहीं है। तो खैर अभी स्टार्ट करते हैं, पहला प्रोसेस होगा क्लीनिंग। सो फर्स्ट वी विल हैव टू क्लीन द चेन एंड देन वी विल ल्यूब इट। तो चलो अब बाइक के पास चलते हैं, वहीं पर मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियो। एंड बाय द वे प्लीज़ इग्नोर माई हेयर, आई नो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, एक्चुअली लॉकडाउन हुआ हुआ है तो बाहर तो जा नहीं सकते, हेयर कट भी नहीं करा पा रहा, इसलिए थोड़ा सा दे रही अपनी डीओ, पीछे में हो रही अपनी हॉर्नेट और उसके पीछे अपनी ड्यूक। एक्चुअली तीनों बाइकें बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं, जैसे कि दिख रहा है ये गंदी हो रही है सारी, जैसे कि दिख रहा है चेन कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। लेट मी जस्ट ज़ूम इन अ बिट, हालत दिख रही है चेन की, और ये जो हुआ है ना इसको प्लीज़ इग्नोर करना बिकॉज ये एक बार क्रैश हुआ था, मेरा एक फ्रेंड था आवेद, एक्चुअली पीछे से ठोक दिया था तभी ऐसा टेढ़ा हो गया था यार स्प्रॉकेट। एक आवाज़ सुनना, जब भी ऐसा होता तो आवाज़ आती है, अभी देखना कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो मैं आवाज़ सामने कर दे रहा हूँ। जैसे कि तुम लोगों ने देखा कितनी आवाज़ आ रही है, तो हियर इज आवर केरोसिन, लेट्स स्टार्ट। फिर हमें लगे जिस तरह का ब्रश या कोई भी टूथब्रश ले सकते हो, एंड एक बार ब्रश से फिर क्लीन कर लेने के बाद फिर एक और बार मार सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्लीन हो जाता है। ये देखो दिख रहा है गंदगी, जैसे कि अभी चेन दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गई है ऑलरेडी, एक्सेप्ट द चेन स्प्रॉकेट, चेन स्प्रॉकेट को भी मैं साफ करूँगा। इससे पहले मैं दिखा रहा हूँ गंदगी नीचे कितनी गिरी है, देखो
इतनी ज़्यादा गंदगी नीचे गिरी है, जबकि मैंने अभी इसमें ज़्यादा केरोसिन यूज़ नहीं किया है। तो जो हमें लेना है सिर्फ एक क्लॉथ लेना है, कोई भी क्लॉथ ले लो और इससे चेंज पॉकेट को साफ करो, दिख रही गंदगी जैसे गिर रही है। और कितना क्लीन हुआ ये दिखा रहा हूँ, दिख रही है चेन। मैंने एक्चुअली चेन पॉकेट बहुत ज़्यादा साफ नहीं किया है, बस चेन पॉकेट का एक्चुअली ये वाला ये सब पार्ट जो है ये सब उतना साफ नहीं किया, ये मेन अभी चेन साफ की है मैंने, इसी में देख रहे हो कितना ज़्यादा क्लीन हो गई है। एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को साफ़ नहीं करते हैं, जैसे कि दिख रहा है पीछे में एक स्प्रॉकेट है, मैं ड्यूक का दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा रस्टिंग हो रही है इधर, तो पीछे में एक स्प्रॉकेट है, एक स्प्रॉकेट होता है इसका आगे, यहाँ पे एक स्प्रॉकेट होता है दूसरा, हो सके तो इस चीज़ को खोल के साफ करना चाहिए ताकि प्रॉपरली क्लीन हो। अब देखो जैसे इसकी चेन कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है, समझ आ रहा है, और इसकी चेन देखो कितनी ज़्यादा क्लीन है, देखो कितनी ज़्यादा क्लीन लग रही है इसकी चेन, ये चीज़ बता रहा हूँ ये, और कोशिश करके आगे वाला जो स्प्रॉकेट है उसको भी कोशिश करके साफ करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ फ्रंट स्प्रॉकेट, यहाँ दिख रहा है ये देखो, और ये केसिंग हालत देखो, ये मैं खोल रहा हूँ वरना ये तो खुलता भी नहीं, और सर्विस वगैरह में देते ना ये तो पूरी तरह से खोलते भी नहीं है। दिस इज़ द थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड, ये दिख रहा है, अभी मेरा हाथ गंदा हो रहा है वरना मैं जूम करके और सही से दिखाता रहूँ, कोशिश करता हूँ मैं, खूब समझ आ रहा होगा तुम लोग को, इतना गंदा हो रहा है, दिख रहा है ये गंदगी है, सुना आफ्टर क्लीनिंग व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट टेक योर चेन लीव, मेरे पास ये वाला है, क्या ब्रांड है इसका, स्पीडॉल का है, एरोसॉल चेन ल्यूब्रिकेंट, एंड इट्स ऑल डन। अभी जितनी ज़्यादा हो सकती है मैंने पूरी तरह से क्लीन कर दी है चेन, एक्चुअली मेरे को वीडियो बनाने में दिक्कत ही हो रही है, बिकॉज जैसे कि तुम्हें दिख रहा है मैं यहीं पर बैठ के चेन क्लीन कर रहा हूँ, या जगह भी ज़्यादा है नहीं तो मैं वीडियो कैमरा भी सही से रख नहीं पा रहा वीडियो बनाने के लिए, और जैसे दिख रहा है बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, बट आई गेस ये एक बार में स्टार्ट हो जाएगी, जब भी स्टार्ट करेंगे ऑलमोस्ट 20 डेज से बंद पड़ी हुई है, यहाँ ड्यूब भी है ये, तो आई गेस एक ही बार में हो जाएगी अपनी, बिकॉज ये तो फ्यूल इंजेक्टेड है, बट ये फ्यूल इंजेक्टेड नहीं है, कार्बोरेटर है, तो इसकी दिक्कत है मोस्ट प्रॉब्लम, लेकिन ऑन हो जानी चाहिए जिस हिसाब से ट्यून हुई भी है, और इसकी ट्यूनिंग के ऊपर भी बहुत जल्दी एक वीडियो बनाना है, खैर अब घर से उठाकर बात करते हैं। तो गाइस जैसे कि तुम लोगों ने वीडियो देख लिया है, मैंने पूरी तरह से चेन ल्यूब कर दी थी, इसका तरीका तुम लोगों को समझ आ गया होगा, पहले चेन को क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद ल्यूब करना है, तो तुम लोग अचानक से सोच रहे हो कि कैप कहाँ से आ गई, एक्चुअली मेरा बाल बहुत बड़ा हो गया है जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है, इसलिए मैंने कैप पहन रखी है, तो अभी दस ही रहेगा कुछ वक्त तक। और बाय द वे मैं एक चीज़ और बता दूँ, पहले जो तरीका है सबसे पहले क्लीन करना है, क्लीन करने का तरीका वही है, क्लीनर यूज़ करो, या तो क्लीनर यूज़ कर लो या मेरी तरह जैसे मैंने यूज़ किया है केरोसिन यूज़ कर लो। बट एक चीज़ और बता दूँ, प्लीज़ डोंट यूज़ पेट्रोल यूज़ करने से क्या है कि चेन ख़राब होने लगती है, ओवर टाइम ख़राब हो जाती है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरी चेन बहुत जल्दी ख़राब हो रही है, चेन पॉकेट से आवाज़ आ रही थी, एक्चुअली
होता ही है ना कि अगर प्रॉपर ल्यूबिंग नहीं करते हैं या सही तरीके से ल्यूब नहीं करते तो चेन स्प्रॉकेट की लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ड्रास्टिकली 4-5 हज़ार किलोमीटर पहले ही ख़त्म हो जाती है। मैंने कई लोगों सुना है कि 6,000-8,000 किलोमीटर पर ही चेन स्प्रॉकेट ख़राब हुई है। तो एक्चुअली होता ही है कि बहुत सारे लोगों की गलती होती है ना, बहुत ज़्यादा लोग स्प्रे कर देते हैं, चेन ल्यूब जो होता है बहुत ज़्यादा मार देते हैं। हम लोग हमेशा यही करना चाहिए, एकदम एक सिंगल कोट मारनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज सिंगल कोट इज़ मोर देन इनफ। बस ये है कि अच्छी क्वालिटी का चेन ल्यूब यूज़ करो, लाइक इन माई केस मैं ये जो यूज़ कर रहा हूँ मेरे लिए अच्छा ही काम कर जाता है, इसलिए मैं यही यूज़ करता हूँ। हाँ, ड्यूक का तुम लोगों ने देखा जैसे जंग लग रहा है, एक्चुअली देखो बहुत टाइम से बाइक रखी हुई है और उतना चल भी नहीं रही है, और मोस्टली अभी तो मैं ड्यू ही चला रहा हूँ, ड्यू चला रहा हूँ या हॉर्नेट चलती है, और ड्यूक उतना निकालने का वक्त भी नहीं मिलता। और अभी जैसे कि तुम लोगों को पता है लॉकडाउन की वजह से तो और भी नहीं चल रही है, इसलिए ऐसे रस्टिंग होने लगी है। तो एक्चुअली मेरी भी इसमें गलती है कि मैंने इसको प्रॉपरली ल्यूब करके नहीं रखा था, क्लीन करके भी नहीं रखा था, बारिश वगैरह में भी एक दोबारा भीगी थी, मैंने छोड़ दिया था, ये मेरी गलती से ही हुआ है। बट देन अगर ख़राब भी हो जाती तो यार अपने को एक बहाना मिल जाएगा, क्योंकि उसका मुझे ऐसे भी चेंज प्रॉफिट चेंज कराना ही है कुछ वक्त में, जैसे कि मैंने बताया था। बाकी लेट्स सी मैं किसका डलाऊंगा क्या करूँगा। तो एनीवेज यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मेरे को अगला वीडियो का प्लीज़ बताओ टॉपिक, मैं किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, जिस भी चीज़ की वीडियो चाहिए बताओ, मुझे उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। सो एनीवेज यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय द वे मैं इतनी जल्दी जल्दी इसे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बैटरी नहीं है, बहुत जल्दी मेरा कैमरा ऑफ हो जाएगा। सो या